नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदोज में आपका स्वागत है। मैं विक्रम। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां पर आशीष मिश्रा यानी कि जो अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे आशीष मिश्रा जो लखीमपुर कांड के आरोपी हैं, जिनकी जीप ने किसानों को रौंद दिया था, मौत के घाट उतार दिया था और उन्हें जमानत मिल गई थी चुनाव के टाइम पे, यानी कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहे थे उस वक्त। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनकी जमानत को रद्द कर दिया गया। जी हाँ, उनकी जमानत को रद्द कर दिया गया और एक हफ्ते का टाइम दिया कि सरेंडर कर दो और फिर से जेल चले जाओ। बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है और जो उनके पिता हैं, जो केंद्रीय मिनिस्टर अभी तक बने हुए हैं, उनके लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि उनके बेटे को एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा। पूरी डिटेल आपको बताता हूं, लेकिन उस पर जाने से पहले अपील है कि वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर आ रही है सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां पर एनवी रमन्या की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक फैसला सुनाया है कि जो आशीष मिश्रा है यानी कि अजय मिश्रा के बेटे, अजय मिश्रा और टोनी जो इस नाम से जाने जाते हैं और कहा जाता है कि बहुत दबंग नेता है, उनके बेटे पे आरोप था। आरोप के आप लोगों को पता है कि वो मुख्य आरोपी एक तरह से बनाया गया था और पूरी जांच हुई थी, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जांच कराई थी। उसके बाद वो 4 महीने तकरीबन जेल में रहा, लेकिन 10 फरवरी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, उसके अलावा 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे थे, वहां पर उसे जमानत दे दी गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन उस फैसले को रद्द करते हुए एनवी रमन्या की पीठ ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर सरेंडर कर दो और जेल चले जाओ, और जमानत को रद्द कर दिया गया, यानी कि एक हफ्ते के अंदर उन्हें फिर से पेश होना है, सरेंडर करना है और जेल भी जाना है। ये बड़ा झटका है एक तरह से केंद्र सरकार के भी लिए, क्योंकि केंद्र सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े होंगे कि जो आरोपी हैं, जो उनके फिदा हैं, वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में जू के तू बने हुए। तो एनवी रमन्या ने दिखा दिया कि कोर्ट के आगे, कानून के आगे किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि एनवी रमन्ना खुलकर इस चीज सबको कह रहे हैं, चाहे वो एजेंसी है उनको कह रहे हैं कि सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन आप लोग अपना काम ढंग से कीजिए। उसके अलावा तमाम उन्होंने कई सारी ऐसी सख्त टिप्पणी भी की है, चाहे वो सरकारें हों, जिसमें कितनी सरकारें चल रही हों, और एक बार उन्होंने दिखा दिया कि कोई भी मिनिस्टर का बेटा हो, कुछ भी हो, तो अगर उसने कुछ किया है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। आशीष मिश्रा पहले ही 4 महीने की जेल काट चुके थे और एक बार फिर उनके लिए बड़ा झटका है। तो आप लोगों को जो कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। बाकी सभी खबर देखने के लिए हिंदुस्तान को देखते रहें। मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ।